पंजाब वैदर टूडे देख रहे सारे ही स्रोतियां जी आयां नूं जी। इस वेले दी वड्डी खबर दोस्तों तुहाडे नाल सांझी कर रहे हां जी। कैनेडियन आगू जगमीत सिंह वल्लों आया वड्डा बयान, मोदी सरकार ते लाए गंभीर दोष। जानन दे लई वीडियो नूं अंत तक देख लिओ, तुहानूं पूरी खबर का पता लग जाएगा। वीडियो नूं लाइक, चैनल नूं सबसक्राइब अते वीडियो नूं वध तों वध शेयर करना ना भुल्लिओ। सो विदेशां दे विच भारत दे वख-वख धर्मां दे लोक जाके वसे हन, जिन्हां विचों आपस दे विच प्यार अते मिलवरतन दी मिसाइल कायम कीती जांदी है। पर भारत दे विच वापरन वालियां अजिहियां घटनावां दा असर विदेश दी धरती ते रहिण वाले भारतीयों उपर देखिया जा रहा जी। कैनेडियन आगू जगमीत सिंह दे वल्लों वड्डा बयान सामने आया, जिथे मोदी सरकार दे उपर दोष लाए ने। प्राप्त जानकारी दे अनुसार भारत विच अज रामनौमी मौके कई कस्बिआं ते शहरां विच हिंसा दीआं खबरां सामने आईआं ने, जिस तों बाद मोदी सरकार के उपर कनेडा की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता जगमीत सिंह वालों निशाना साधते हुए आख्या गया कि नरेंद्र मोदी की सरकार दे विच जिथे घट गिणती भाईचारे को लैके चिंता वेखी जा रही है, उत्थे ही मुसलिम विरोधी भावनावां नूं भड़काउण दा दोष भी मोदी सरकार के उपर भारतीय मूल के कनेडियन नेता जगमीत सिंह वालों लाया गया है। उन्होंने वालों जिथे अपने ट्विटर अधिकारत ट्विटर से ट्वीट किया गया, उन्होंने वालों प्रधानमंत्री मोदी को अजिही भावना को खत्म किए जाने वास्ते आख्या गया। उन्होंने कहा देश अंदर सारे धर्मां दे अधिकारां दी राखी सरकार नूं करनी चाहिए है। कनेडा हर जगह पर शांति स्थापित करने वास्ते वचनबद्धता निभा रहा। उन्होंने वालों अपने ट्वीट में आख्या गया कि भारत में मुस्लिम भाईचारे के खिलाफ हिंसा दीआं कुछ तस्वीरां ते वीडियो सोशल मीडिया के उपर वेखियां।